अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अनेक जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाएं लोक कलाएं कहलाती हैं। इनमें से बहुत सारी कलाएं लुप्त हो गईं और बहुत सी कलाएं आज भी पूरे भारत को अपने रंगों से सराबोर कर रही हैं। इसीलिए मैंने अपने इस पेंटिंग सीरीज का नाम कलर्स ऑफ इंडिया रखा। बहुत ही सुंदर सुंदर लोक कलाएं हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, युवा वर्ग हमारा नहीं जानता ठीक से। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस पेंटिंग सीरीज के माध्यम से आपको इसकी जानकारी हो, इसकी शैली आप जानें और देखें कि हमारा देश कितनी अधिक सुंदर सांस्कृतिक समृद्धता से परिपूर्ण है। तो आज की इस पेंटिंग सीरीज की आज की इस कड़ी में मैं गोंड पेंटिंग लेके आई हूँ। आपने कोल, भील, गोंड ये जनजातियों के नाम सुने होंगे। ये वही गोंड जनजाति है जिसके द्वारा बनाए गए जो पेंटिंग्स हैं, बनाए गए चित्र, वो गोंड पेंटिंग्स कहलाती है। तो आज मेरी इस श्रृंखला में गोंड पेंटिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, बना के दिखाऊंगी। और चलिए, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताना ना भूलिए कि आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मंडल और डिडोरी जिले के पाटन गांव में निवास करने वाली जनजाति गोंड कहलाती है। गोंड जनजाति द्वारा बनाई गई इस विशिष्ट कला शैली को ही गोंड चित्रकला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पाटन गांव पहले भारत के आम गांवों जैसा ही था, पर इस गांव का नाम विश्व पटल पर स्थापित करने का श्रेय जाता है इस गांव के युवा चित्रकार श्री जनगढ़ सिंह श्याम को। यूं तो श्री जनगढ़ सिंह श्याम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी इस चित्र शैली ने इन्हें अमर कर दिया है। आज पाटन और इसके अगल बगल के सभी गांवों में, हर घर में महिलाएं और पुरुष इस चित्रकारी को करते हुए देखे जा सकते हैं। आज यहां का हर व्यक्ति स्वयं को जनगढ़ सिंह श्याम कहलाने में गर्व की अनुभूति करता है। पाटन गांव का हर घर, आंगन और गांव के लगभग सभी सामुदायिक भवन इस चित्रकारी से आकर्षित करते हैं। गांव से बड़े स्केल पर इन पेंटिंग्स का व्यापार भी हो रहा है। गोंड चित्रकारी ने कहा जाए तो अपने छोटे से गांव के सीमित दायरे से निकलकर दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत के रंगों को बिखेर दिया है। आप देख सकते हैं, अब मैंने अपना पूरा चित्र ड्रॉ कर लिया है। कितना सीधा सरल, इसमें कई मोर बने हैं जो एक पेड़ को देख रहे हैं ऊपर मुँह करके। तो इनके चित्रों की यही तो खासियत है कि ये काफ़ी सीधे और सरल होते हैं। इनमें अभी आप जब मैं रंग भरूंगी और उसमें चटकीले और लाल, पीले, हरे, नीले रंग एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में भरे जाते हैं, तो इनको बिंदुओं से और छोटी छोटी रेखाओं से पूरे चित्र को भरा जाता है। अभी अगले स्टेप में मैं बनाऊंगी तब आप देखेंगे। तो ये मैंने अपना चित्र में रंग भरना शुरू कर दिया है। चटकीले रंग हैं, आप खुद देख लीजिए कितना सरल रचना है ये। इनकी कलाकृतियाँ बताती हैं कि अत्यधिक सरल सीधे सादे जीवन को भी कलाकार की कल्पना कितना सुंदर बना सकती है। शेर, भालू, मोर, मछली, हिरन, पेड़, नदी, पहाड़ आदि प्राकृतिक वस्तुएं इनकी चित्रकला के मुख्य विषय होते हैं। लंबाई और चौड़ाई, केवल इन दो आयामों वाली इन कलाकृतियों में तीसरा आयाम गहराई का लुप्त होता है। मतलब तीसरा आयाम नहीं होता, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में ही दो आयाम होते हैं। माना जाता है कि यह इन कलाकारों की सीधे साधे सरल जीवन का परिचायक है। गोंड चित्रकारी दीवारों पर भी की जाती है। रंगों का उपयोग भी प्राकृतिक रूप से होता है। अब जैसे ये इस समय मैं तो कैनवास पर बना रही हूँ और एक्रेलिक कलर्स से इन चीज़ों को बना रही हूँ,
लेकिन जो वास्तविक रूप से ये चित्रकारी होती है, पारंपरिक रूप से होती थी, अब इसमें बहुत सारे नवीन प्रयोग किए गए हैं और नए रूप में हमारे सामने आ चुकी है। तो अब इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मूल चित्रकारी थी, पारंपरिक चित्रकारी, वो अपने मूल रूप में प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी, जो कि जमीन पर भी बनाई जाती है, दीवार पर भी बनाई जाती है, कागज़ पर भी बनाई जाती है और कपड़े पर भी बनाई जाती है। और दीवार पर इन इसमें पिसे चावल, गेरू, पीली मिट्टी और कई प्राकृतिक पदार्थों से बनाए गए रंग प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि पूरे चित्र को छोटी छोटी बिंदियों से और नन्ही नन्ही रेखाओं से जोड़ा जाता है इसके ऊपरी सतह पे, तो यही इसकी खासियत है, यही इसकी सुंदरता है। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं इसमें छोटी छोटी बिंदियों से, छोटी छोटी रेखाओं से किस तरीके से उसका एक प्रतिरूप बना रही हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं, बड़े बड़े चित्र जब बनाए जाते हैं, वास्तविक जो पेंटिंग होती है उसमें बहुत ही महीन काम होता है और इस तरीके का काम होता है जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब वर्तमान समय में ये जो पेंटिंग है, ये जो विधा है, 1980 के दशक के आरंभ में मध्य प्रदेश में भोपाल में भारत भवन कला केंद्र की शुरुआत हुई, जिसमें जनजातीय समाजों की रचनात्मकता को सामने लाने का मिशन आरंभ किया गया। इसी मिशन के दौरान कलाकारों के समूह को जनगढ़ सिंह श्याम की कलाकृतियां देखने को मिली। जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी रचनात्मक शैली में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। पारंपरिक साधनों के स्थान पर कैनवस, एक्रिलिक कलर्स, ऑयल कलर्स, ब्रश, तेल आदि सामग्रियों का उपयोग करके उन्होंने इस पारंपरिक कला को अद्भुत रूप प्रदान किया। यहीं से दुनिया भर में जनगढ़ सिंह श्याम के कार्यों का प्रदर्शन की शुरुआत हुई। 1980 से 1995 तक के दशक में उनके समुदाय के 100 से अधिक चित्रकारों ने नए सिरे से, माने नए शैली में, मतलब इसी शैली को नए नई वस्तुओं के उपयोग से, नई जितनी भी सामग्री को उपयोग करते हुए इस कला के नए आयामों को गति प्रदान की और आज इसको विश्वव्यापी बनाने का कार्य किया है। और इस समय इस कला को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनकी आने वाली पीढ़ियाँ और उनकी जो नवीन पीढ़ियाँ हैं वो लगातार प्रयासरत हैं और आज गोंड कला बहुत ऊंचाइयों को छू गई, यानी कि इतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े रूप में गोंड कला को आज बड़े बड़े नगरों में लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा रहे हैं, विदेशों तक जा रही है, निर्यात हो रहा है पेंटिंग्स का, ये बहुत बड़ी बात है।
अब मेरी पेंटिंग लगभग बनके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी नन्ही नन्ही बिंदियों से डॉट्स डॉट्स करके और नन्ही नन्ही रेखाओं से मैंने इसी शैली में इस चित्र को बनाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये पेंटिंग पसंद आई होगी और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।